इस ईद सबके घर में जश्न हो, सबकी जिंदगी रोशन हो, सबके दिलों में भाईचारा सलामत रहे। लक्ष्मीनेस और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सलमान खान ने इस ईद के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। सलमान खान जहां अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शानदार कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहां सलमान खान अपने फैंस को हरगिज नहीं भूले। और इस ईद पर सलमान खान ने अपने तमाम फैंस को एडवांस ईद की मुबारकबाद भी दी। और सलमान खान ने अपने फैंस को जहां अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का एक गिफ्ट दिया ईद के मौके पर, वहां सलमान खान ने अपने फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान भी किया, जिसे सुन के आपका दिल भी झूम उठेगा। सारी तफसील आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल पर पहली मरतबा हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, सलमान खान ने इस ईद पर अपने तमाम फैंस के लिए एक खुसूसी पैगाम जारी किया और सबको ईद की एडवांस मुबारकबाद दी और सबके लिए दुआ की कि मैं दुआ गो हूँ कि तमाम मेरे फैंस जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें। सलमान खान ने अपने तमाम फैंस को कहा कि मैं आज शोहरत की जिन बुलंदियों पर हूँ, ये सब मेरे फैंस और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। सलमान खान ने अपने फैंस को जहाँ किसी का भाई किसी की जान फिल्म ईद के मौके पर रिलीज करके उनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, वहाँ सलमान खान ने अपने फैंस के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान भी किया, जिसे सुन के यकीनन आपके दिल झूम उठेंगे और आपकी खुशी की इंतहा हो जाएगी। सलमान खान ने अपने फैंस से मुखातिब होकर कहा कि इस ईद के मौके पर आपको दो दो गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, एक मेरी फिल्म किसी का भाई किसी की जान किस शक्ल में, और दूसरा गिफ्ट ये है कि इस ईद के मौके पर जो ही ये मेरी फिल्म रिलीज होगी इसके फौरन बाद मैं शादी कर लूँगा। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है, सलमान खान अपनी फिल्म के रिलीज होते ही शादी कर लेंगे या नहीं? अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।